बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीरा ज़ारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ सूखा साग और दाल। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए, 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए, 3 से 4 हरी मिर्चें लिए। दाल और साग दोनों को अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा दही लिया है। माशाल्लाह से हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो गया था। अब इसमें प्याज शामिल करूंगी। माशाल्लाह से प्याज का रंग बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटरों को अच्छी तरह से भून लूंगी। हरी मिर्चें शामिल करूंगी। गरम मसाला शामिल करूंगी। हल्दी शामिल करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूंगी। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। अब इनको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि तमाम मसाले यकसा हो जाए। हस्बे जैका नमक शामिल करूंगी। सूखा धनिया पाउडर शामिल करूंगी। दही शामिल करूंगी। अब बॉईल की हुई दाल शामिल करूंगी। बॉइल किया हुआ साग शामिल करूंगी। ये ख्याल रहे कि साग को सबसे पहले बॉइल अच्छी तरह से करने कम से कम 3 से 4 घंटे। अब इनको 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार हमारा सालन तैयार है। अब इसकी गार्निश करूंगी।
माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा सूखा साग और दाल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी कीमती आरा का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।